पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अलग से विधानसभा भवन बनाने से हरियाणा का चंडीगढ़ पर दावा कमजोर होगा, क्योंकि विधानसभा भवन बनाने के लिए जो 10 एकड़ जमीन देखी है वह पिंजौर के साथ लगती है। सरकार को हाईकोर्ट की तर्ज पर विधानसभा का वहीं पर विस्तार करना चाहिए था। अगर पंजाब चंडीगढ़ पर दावा करता है तो पहले वह हिंदी भाषी गांवों को हरियाणा को वापस लौटाए और जो 40% हिस्सेदारी चंडीगढ़ पर हरियाणा की है उसका हिसाब करे। आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह तो पहले से ही भाजपा से मिली भगत किए हुए हैं। भाजपा में जाते हैं अगर वह, तो ये आदमपुर के मतदाताओं के साथ धोखा है। अगर कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा में जाना है तो पहले वहाँ से इस्तीफा दे और उसके बाद ही भाजपा में जाने का निर्णय ले, उसके बाद उनको पता लग जाएगा कि वह कितने पानी में है। प्रदेश में विधायकों को मिल रही धमकियों पर हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बदमाशों की शरणस्थली बन चुका है और प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। ये जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है और विधायक को धमकी है, ये साबित करता जो हम कह रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और ऐसा प्रतीत होता है जो प्रदेश में सरकार ही कोई नहीं। हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करा रहा है। जब निर्वाचित विधायकों के साथ इस प्रकार से हो रहा है, आम आदमी के साथ क्या होगी बात का अंदाजा लगा सकते, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम कोई चीज रही नहीं और सरकार चाहती है लाठी और गोली से सरकार चलती है। लाठी गोली से सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है लोगों का मन जीतने से। जिस तरह खेतड़ में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, एक किसान वहां मरा और लाश देने से इनकारी हो गई और उनके ऊपर मुकदमा 302 का बनाया गया। तो ये बातें टकराव से नहीं कभी समाधान नहीं होते, समाधान होते हैं बातचीत द्वारा। बातचीत करके उसका समाधान निकाला जाए, तुरंत जो है उन किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाए और जो समस्या का समाधान किया जाए, जिससे पूरा गांव परेशान होता है, जो एक रिवाज चल रहा था उससे भी कोई बैठ के हर समस्या का समाधान निकल सकता है, दबाव से नहीं निकलता। तो सरकार को उसका समस्या का समाधान में निकालना चाहिए और मुकदमे वापस करने चाहिए और जो मारा गया है उसके यहाँ परिवार में एक नौकरी और उसको कंपनसेट करना चाहिए। छोटे साहब, जिस तरह अमित शाह से मिले हैं उसके बाद पार्टी क्या स्टैंड अपनाने वो तो उसका पहले ही पता लग गया। पार्टी ने स्टैंड अपना रखा, मैं तो पहले दिन कहा था कि भाई वो जो उन्होंने मतदाताओं के को धोखा दिया है, या ये क्या साबित करता, चुनाव करेंगे ना, अपनी सीट से इस्तीफा दें और फिर कहीं भी जाए प्रजातंत्र में और फिर चुनाव लड़े। यदि वो इस्तीफा देते हैं कांग्रेस तैयार है उपचुनाव के लिए? हाँ, तैयार है बिल्कुल। वही असर होगा जो बड़ौदा में असर हुआ। आपको कांग्रेस पार्टी ने आपको फ्री हैंड दिया है? कांग्रेस पार्टी ने हाई कमान ने आपको फ्री हैंड दिया हरियाणा में, आपकी पसंद पहले बंद हो थे मेरे आपके बंदे हुए देखे क्या भी मेरे आपके आपके पसंद के पहले से मिले बंदे हुए हैंड देखे कांग्रेसी है, कांग्रेस जिसको बदलते रहते हैं प्रधान बदलते रहते हैं। मैं भी अभी प्रधान था, मेरे बाद और प्रधान बन लिए और प्रधान बन लिए, कोई खास बात नहीं। पहले भी कोई मेरा विरोधी नहीं था। हरियाणा में संगठन क्यों नहीं खड़ा कर पा रही? समय पे करेंगे ना, सितंबर तक सारा संगठन खड़ा होना है। अब अभी भर्ती की प्रक्रिया खत्म हुई है, भर्ती हो रही है, चल रही है, संगठन जल्दी खड़ा होगा। प्रवक्ताओं की एक लिस्ट जारी हुई थी, उस पर फिर हाईकमान से ब्रेक लग गया। कोई ब्रेक नहीं, जो सब कह रहे हो आपने विधायकों वाला मसला, कोई ब्रेक नहीं, जो लिस्ट जारी थी वो वही है। जो सब में घुसके मतलब इतना हाईक है कि भी मतलब क्या उस पर कुछ और स्टैंड लेंगे आप? देखो बात ये है, चाहे वो मूसेवाला का कत्ल हुआ उसका भी यहाँ के लोग, एक जो ये शरणास्थली बन गई हरियाणा गिरोहों का, गिरोह पैदा हो गए। 2005 से पहले भी ऐसे था, लेकिन 2005 के बाद हमारी सरकार आने के बाद गिरोह सब खत्म हो गए थे। मैं तो साफ कहता या तो मुख्य धारा में आ जाए या हरियाणा छोड़ दे और उसमें कामयाब। तो हम मानते हैं हरियाणा के मुख्य या अपनी जेल की सलाह में पीछे रहे। नेक्स्ट ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस है या मतलब विल पावर गवर्नमेंट की?
देखिए कानून व्यवस्था चलाना सरकार की काम है, लोगों को सुरक्षित रखना सरकार का काम है, सरकार अपनी जिम्मेवारी से विफल है। चुनाव हुए थे कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ी थी तो, और पंचायतों के भी पूरा ग्रामीण इलाका है, पहले शहर का इलाका था, इसके लिए पार्टी किस तरह की क्या रणनीति अपनाएगी? ये बहुत महत्व है, वो चुनाव सिंबल पर नहीं, कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन हुए थे पार्टी सिंबल पर लड़ी थी, अब इलेक्शन होंगे कॉर्पोरेशन के तो सिंबल पर लड़ेगी और पंचायत के बारे में विचार करेंगे। तो सब हरियाणा के विधानसभा के लिए अतिरिक्त जमीन की बात करते हैं, अमित शाह ने मंजूर की है, पंजाब के मंत्री कह रहे हैं कि हम ये नहीं बनने देंगे हरियाणा के लिए जो विधानसभा। ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि जो आज विधानसभा है उसको ही एक्सटेंड करना चाहिए, जब हाईकोर्ट एक्सटेंड हो सकता है तो विधानसभा क्यों नहीं एक्सटेंड हो सकती? तो जो अलग मांगने वाली बात उसमें क्या नजर आती है? जो जिस जगह वो दे रहे हैं उसका मतलब तो हरियाणा का जो है अपना जो चंडीगढ़ पर क्लेम कमजोर करने की बात,